महाराष्ट्र के बदलापुर में 13 अगस्त के दिन दो मासूम बच्चों के साथ स्कूल में आरोपी अक्षय शिंदे ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। अब इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अक्षय शिंदे जिसने 3 और 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करी, उसकी क्राइम कुंडली कोलकाता डॉक्टर रेप केस के आरोपी संजय रॉय जैसी निकली, जिसके बाद ये केस उससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब आप अक्षय ने जो दरिंदगी की है उसके पीछे की मानसिकता को जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही ये केस अब बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंच गया है, जहां पर जज ने सरकार को बहुत अच्छे से लताड़ा है। उन्होंने सरकार के वकील से कहा कि जब स्कूल ने बच्चों के परिवार वालों की शिकायत नहीं सुनी तो पुलिस ने स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। जज ने आगे कहा कि अब 4 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा जा रहा तो ये प्रदेश में कैसी स्थिति है। कोर्ट ने सरकार के वकील से ऐसे तमाम सवाल किए। आज हम आपको इस वीडियो में अक्षय शिंदे की क्राइम कुंडली और हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को लेकर क्या क्या बयान दिए हैं, एक एक करके आपको डिटेल में बताएंगे। दरअसल स्कूल में काम करने वाले स्वीपर अक्षय शिंदे ने गर्ल्स टॉयलेट में 13 अगस्त के दिन दो मासूम बच्ची जिनकी उम्र 3 और 4 साल थी उनके साथ गलत हरकत की थी। घटना के बाद दोनों बच्चियां स्कूल जाने से डर रही थी। एक बच्ची के माता पिता को शक हुआ तो उन्होंने बेटी से पूछताछ की, जिसके बाद बच्ची ने बताया कि स्वीपर ने पहले उनके कपड़े खोले और फिर गलत तरीके से छुआ। इसके बाद उस बच्ची के माता पिता ने दूसरी बच्ची के पेरेंट्स से बात की और दोनों परिवार स्कूल पहुंच गए, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद दोनों बच्चियों का मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें यौन शोषण का खुलासा हुआ तो दोनों परिवार केस दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गए, लेकिन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शुभदा शीतोला ने पॉक्सो एक्ट का मामला होने के बावजूद FIR दर्ज करने में टालमटोल की। पीड़ित परिवारों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद मांगी तो 16 अगस्त की देर रात पुलिस ने शिकायत दर्ज की। अगले दिन यानी 17 अगस्त को पुलिस ने आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लोकल कोर्ट ने उसे 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। लेकिन अब अक्षय शिंदे की वो रात सामने आ चुकी है जिसके बाद उसे कोलकाता लेडी डॉक्टर केस के आरोपी संजय रॉय से जोड़ा जा रहा है। दरअसल अक्षय की संजय रॉय की तरह कई शादियां हो चुकी हैं और उन्होंने भी संजय की पत्नियों की तरह अक्षय को छोड़ दिया। बदलापुर केस के आरोपी अक्षय की 3 शादी हो चुकी है, लेकिन इनमें से उसकी कोई भी पत्नी उसके साथ नहीं रहती। इस खुलासे के बाद लोग अक्षय को संजय रॉय से जोड़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही लोगों का मानना है कि दरिंदगी करने वालों की सोच इस तरह की होती है। इसके अलावा 22 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, जहां पर जज ने पुलिस को बहुत अच्छे से लताड़ा। जस्टिस मोहिते ढेरे ने कहा, हमें नहीं पता बदलापुर पुलिस ने इस मामले की जांच कैसे की है, उन्होंने शायद ही कुछ किया है। इस पर अटॉर्नी जनरल सराफ बोलते हैं कि हमने कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके जवाब में जज बोलते हैं कि समाधान नहीं है, क्या अधिकारियों ने CRPC की धारा 173 के तहत पीड़ितों के बयान दर्ज किए हैं। इसके बाद जस्टिस मोहिते ढेरे बोले कि दूसरी बच्ची का बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है, ये बहुत गंभीर बात है, दोनों बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, पुलिस मामले को गंभीरता से कैसे नहीं लेती, हम जानना चाहेंगे कि आप स्कूल की लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, लड़कियों की सुरक्षा से कतई समझौता नहीं किया जा सकता। आइए इस पूरे मामले में वकील प्रशांत पांडे से जानते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों की बेंच ने महाराष्ट्र पुलिस से क्या क्या सवाल किए। इन्वेस्टिगेशन जब उन्होंने बताया SIT एक फॉर्म हुई है तो उन्होंने पहले पेपर्स मांगे कि SIT में कौन है, तो मिस सिंह करके हैं, उन्होंने IG रैंक की IPS ऑफिसर हैं, उनको उन्होंने IG ने यह जवाब दिया कि हमने एक SIT फॉर्म की है जिस मिस सिंह लीड कर रही हैं और हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बाद में AG सर ने यह भी बताया स्पेसिफिकली कि विक्टिम के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, एक पहली जो विक्टिम है उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, दूसरे विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो उस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई कि अब तक क्योंकि इंसिडेंट्स 12-13 तारीख की है, 16 तारीख को FIR लेती है पुलिस और 16 तारीख के बाद आज 22 तारीख हो गई, आपने सेकेंड विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया। तो उसमें AG ने यह अश्योरेंस दिया कि एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल इस केस में किया जाएगा। फिर कोर्ट ने यह भी बोला कि जो स्कूल अथॉरिटीज़ ने भी जो जब उनको रिपोर्ट किया गया उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाने में डिले किया है, तो स्कूल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी आप क्या कर रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे एडवोकेट जनरल, उन्होंने ये बोला कि वी आर ऑल्सो एंश्योरिंग कि जो स्कूल के अगेंस्ट एक्शन हो सकती है हम लेंगे। सर, इसके साथ में एक टिप्पणी की कि जब स्कूल में ही बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो ऐसी जगहों पर पढ़ाई शिक्षा का क्या रहेगा, लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए पुलिस पर। तो इन्होंने हियरिंग के दौरान ये पूछा कि स्कूल में आपने क्या क्या स्टेप्स लिए गए, स्कूल के स्टेट अथॉरिटी ने स्कूल में क्या क्या डायरेक्शंस दिए हैं,
इस स्कूल में क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, ये सारे एफिडेविट पे आप दीजिए, जो नेक्स्ट डेट है ट्यूसडे को 2:30 बजे, नेक्स्ट ट्यूसडे 2:30 बजे, और उसमें आप हमें ये बताइए कि आप स्कूल से रिलेटेड क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। उस सेफ्टी मेजर्स में ये इंश्योर हो कि जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, उनको, उनके पेरेंट्स को और उनको एक गारंटी मिले कि हम सेफ एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। तो टिप्पणियाँ काफ़ी तल्ख रही है, टिप्पणियाँ काफ़ी तल्ख रही है, वो पुलिस संरक्षण आए खड़े गाने वाले की बात नहीं करी, क्या वो चीज़ रही है, क्या क्या रही? ये डिवीजन बेंच थी, तो एक वन ऑफ द जजेस स्पेसिफिकली मेंशन कि पुलिस का मतलब है सेफ्टी, आप अगर लोगों को सड़कों पे जाना पड़े सेफ्टी के लिए तो आप लोगों का मतलब ही क्या है। इसलिए कोर्ट ने जब मंगलवार को 2:30 बजे केस रखा है, तब ये बता पूछा है कि आपने सेफ्टी मेजर्स क्या लिए। आप बदलापुर पुलिस ने अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किए, इस सारे चीज़ों पे एक एफिडेविट देने के लिए बोला गया है। इसमें और एक चीज़ मैंने इंटरवीन करना चाहा, अभी एप्लीकेशन रेडी नहीं है, बट इंटरवीन करना चाहा, कोर्ट ने सीधे डिनाई किया है, बोला है कि ये सुमोटो PIL है। मेरा स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड पॉक्सो केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये एफिडेविट पे डाला जाए, इस रिगार्ड्स अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएंगे, हम एप्लीकेशन करेंगे। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अक्षय ने 1 अगस्त को ही स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया था। बच्ची उसे दादा यानी बड़े भाई कहकर पुकारती थी। बच्ची के मुताबिक दादा ने उसके कपड़े खोले और गलत तरीके से छुआ। स्कूल में जहां घटना हुई वहां पर महिला कर्मचारी नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।